हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शॉपहोलिक गर्ल। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ जो कि मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, और उसे कैसे इस्तेमाल करना है, आपको कैसे यूज़ करना है, वो भी मैं आपको बहुत ही अच्छे से बताऊँगी। और बहुत सारे गर्ल्स बॉयज़ को नहीं पता होता है कि आपको स्क्रबर कैसे यूज़ करना है, तो आज मैं आपके साथ सारा कुछ शेयर कर दूंगी स्क्रबर के बारे में। तो आज मैं आपके साथ मेरा फेवरेट स्क्रबर शेयर करने वाली हूँ, और वो है और कोई नहीं, बायोटिक का ही है। बायोटिक का स्क्रबर मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो बायोटिक का मैंने इससे पहले आपको एक टोनर दिखाया था, और ये है बायोटिक का स्क्रबर। तो आप देख सकते हो ये बहुत ही अच्छा स्क्रबर है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्क्रबर। अगर आपका सेंसिटिव स्किन है तो आप ज़रूर इसे यूज़ करते हैं, वरना ये सारा स्किन टाइप्स के लिए बेस्ट है, क्योंकि ये है बायो पपाया फ्लेवर का है ये, और ये टैन रिमूवल स्क्रबर है, क्योंकि टैन आजकल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो टैन को हटाने के लिए हम बहुत सारा काम करते हैं। अगर आपको स्किन में से टैन हटाना है तो आप ज़रूर ये वाला स्क्रब यूज़ करके देखें, क्योंकि सच में ये वर्क करता है। तो इसका पैकेजिंग ऐसा कार्डबोर्ड में आता है, और ये वाला कुछ ऐसे लगा रहता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है अच्छे तरीके से, यहाँ पे देख सकते हैं इसका वेबसाइट भी है बायोटिक का, और ये कुछ ऐसा आता है। मुझे इसका बॉक्स कुछ ज्यादा ही पसंद है, ये आप देख सकते हैं, ये बहुत ही प्यारा आता है, और यहाँ पे इसका प्राइस है आप देख सकते हैं। मैंने 199 में ही इसे लिया था, मैंने इसे बहुत पहले लिया था, और मैं इसे थोड़ा कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि स्क्रबर यूज़ करने से आपके फेस में थोड़ा आपको स्पॉट्स होते हैं, मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होता है स्क्रबर यूज़ करने के लिए, इसे मैं इसे कम यूज़ करती हूँ। तो ये कुछ ऐसा ओपन होता है, और ये मेरे पास अभी इतना है, ये मैंने दूसरा बार लिया था, और मैं अभी आपके साथ ये शेयर करने वाली हूँ। तो ये स्क्रबर, अगर आप कोई भी स्क्रबर लो तो आप उसे डेली यूज़ ना करो। स्क्रबर वीक में वन बार या महीने में एक बार, जैसे कम ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स होते हैं तो वो महीने में एक बार यूज़ करें तो वो बहुत ही अच्छा होता है, और जैसे ज़्यादा वाइट हेड्स या ब्लैक हेड्स होते हैं तो वो हफ्ते में एक बार यूज़ करें प्रॉपरली। और इससे हमेशा सर्कुलर मोशन में ही यूज़ करना चाहिए, और इसमें जो पपाया का सीड है, मतलब पपाया का जो इसमें जो स्क्रबर में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो इसमें थोड़े हार्ड है, अगर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है तो वो यूज़ ना करें। वैसे ये मेरे स्किन के लिए परफेक्ट है, मैं यही स्क्रबर यूज़ करती हूँ और आपको बताती हूँ। तो ये ऑयली और ड्राई स्किन वालों के लिए वैसा कुछ भी नहीं है इसमें, ये सब ही यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑल स्किन टाइप है, और सच में ये ऑल स्किन टाइप ही है, जैसे कि बायोटिक का टोनर ऑयल स्किन टाइप है बट वो है ड्राई स्किन वालों के लिए, बट ये ऑयल स्किन टाइप है, इसलिए ये सच में ऑयल स्किन टाइप है, क्योंकि मेरा ऑयली स्किन है और मैं इसे यूज़ करती हूँ, और मेरी सिस्टर का भी ड्राई स्किन है, वो भी यूज़ करती है, तो हम लोग दोनों के स्किन में सूट करता है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ ये ऑयल स्किन टाइप है। तो ये पपाया फ्लेवर है, पपाया आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, पपाया से एक फेस में ग्लेज आता है, पपाया आपको खाना भी चाहिए। वैसे अगर आप ज़्यादा ऑयली फूड खाती हो तो जिसकी वजह से आपको ब्लैक हेड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मैं ऑयली फूड खाती हूँ तो मुझे ब्लैक हेड्स होते हैं, तो मैं हफ्ते में एक बार यूज़ कर लेती हूँ। वैसे मैंने अभी कुछ दिनों से यूज़ नहीं किया इसे, तो वैसे मैं बायोटिक का स्क्रबर बहुत 2-3 सालों से यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैंने आपको ये बताया कि आप ये ज़रूर ले सकते हो। तो चलिए इसे हम यूज़ करके देखते हैं मेरे फेस में ये कैसा लगेगा, और कैसे इस्तेमाल करते हैं इसे, वो भी मैं आपको अच्छे से वीडियो में बताती हूँ। तो चलिए देखते हैं करके देखते हैं तो कैसे इसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम ये थोड़ा सा लेंगे हम, और इसको फेस पे अप्लाई करना है। ये देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ये थिक है,
और यहाँ पे, तो मेरे इस एरिया में ज़्यादा ब्लैक हेड्स होते हैं इसीलिए मैं इसे ऐसे यूज़ कर रही हूँ। तो उसके बाद इसे मैं रख दूँगी और पानी लेंगे थोड़ा सा और इसे राउंड राउंड सर्कुलर मोशन में यूज करना। आपको प्रेस नहीं करना है इसे, आप देख सकते हैं मैंने धीरे धीरे करी और पानी लूंगी और जिस एरिया तक आपका ब्लैक हेड्स होता है उसी एरिया तक लगाएं। आप देख सकते हैं इसे ऐसे फिर मैं पानी लूंगी थोड़ा सा ये देख सकते हैं इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स है। आप इसे सर्कुलर मोशन में ही यूज करें क्योंकि वरना अगर आप कोई और मोशन में यूज करेंगे तो ये जो पार्टिकल्स है वो आपको हार्म करेंगे आपकी स्किन में, मतलब आपको छिल जाएगा या कट जाएगा, इसलिए आप लाइट हाथ से इसे रिमूव करें। तो अब मैंने इसे अच्छे तरीके से यूज कर लिया है तो अब मैं आप देख सकते हैं मेरे हाथों में भी लगा हुआ है तो अब मैं इसे वॉश करके आती हूँ। तो मैंने फेस वॉश कर लिया और अब मेरे फेस में एक अलग ही सॉफ्ट सॉफ्ट मुझे फील हो रहा है क्योंकि मैंने इसे अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो मेरे यहाँ पे भी पिंपल्स है और यहाँ पे भी, इसलिए मैं एक्ने प्रोन स्किन ऑयली स्किन हूँ इसीलिए। तो आप देख सकते हैं मेरे सारे ब्लैक हेड्स हट चुके हैं। तो आपने देखा मैंने इसे कैसे यूज़ किया और ये बहुत ही अच्छे तरीके से स्किन में होता है और आप इसे मास्क की तरह भी लगा सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा दिखाती हूँ मैं ड्राई में है, देख सकते हैं आप देख सकते हो ये बहुत ही ज़्यादा ड्राई है, बहुत ही ज़्यादा ड्राई है। आप इसे मास्क की तरह भी यूज कर सकते हो। मैंने जब फेस में दिखाया तो मैं आपको बताती हूँ, मैं पूरी फेस में स्क्रबर यूज नहीं करती हूँ, मुझे जहाँ ब्लैक हेड्स होते हैं मैं वहीं यूज करती हूँ। तो प्रॉपरली आपके यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लैक हेड्स होते हैं, यहाँ पे होते हैं और थोड़े बहुत यहाँ पे पिंपल्स होते हैं आपको, तो आप प्लीज मोस्टली वही ज्यादा क्या बोलते हैं स्क्रबर यूज करें। और आप ये देख सकते हैं आप इसे ऐसे लगा के छोड़ेंगे तो आपको टैन रिमूव करने में बहुत ज्यादा आसानी होगा। तो ये जो स्क्रबर है ये आप हैंड में भी यूज कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे गर्ल्स को डेली ट्रैवल करने की वजह से हैंड में भी हो जाता है टैन, तो आप जरूर अपने हैंड में भी यूज करें। तो मैं अभी थोड़े दिनों से यूज कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चर देता है और बहुत ही अच्छे से टैन रिमूव करता है, सच में ये टैन रिमूव करता है। तो आपको एक स्क्रबर प्रॉपरली हैंड में भी यूज करना चाहिए, आप नेक में भी यूज कर सकते हो क्योंकि अगर आपको नेक भी क्लीन करना है तो फेस वॉश से भी साफ होता है बट स्क्रबर से बहुत ही अच्छे तरीके से फेस क्या बोलते हैं नेक क्लीन हो जाता है। तो आप इसे बॉडी में कहीं भी यूज कर सकते हो, तो ये बहुत ही अच्छा स्क्रबर है, आप इसे यूज कर सकते हो। ये स्क्रबर बहुत ज्यादा मुझे पसंद है, आप इसका देख सकते हो कितना थिक है ये और इसमें और इसका प्राइस भी बहुत ही कम है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज गाइस सब्सक्राइब करके ही जाना।